सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो सिटी स्काईलाइंस। और भाई लास्ट एपिसोड में मैंने यहाँ पे अपना एक एयरपोर्ट बना दिया था जो कि काम तो सही कर रहा है, पर यार इसमें ना पैसेंजर बहुत ही ज्यादा कम आ रहे हैं अभी और कार्गो तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा। पैसेंजर आ रहे हैं, देखो 30 पैसेंजर आए हैं इसमें। जरा मुझे लगता है कि पॉपुलेशन कम है अभी सिटी में, 78,000 तो हो चुकी है वैसे, पर फिर भी ना एयरपोर्ट कम यूज हो रहा है बहुत। एक तो यार मैं पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ाने वाला हूँ इस वाले एरिया में, पूरे में यहाँ पे जोनिंग करने वाला हूँ। साथ ही साथ यार मैंने देखा कि इधर वाला जो अपना ये है ना एजुकेशन में बहुत दिक्कत आ रही है। 15,000 लोग एलिमेंट्री स्कूल के लिए एलिजिबल है और मेरे पास सिर्फ 6,000 लोगों की कैपेसिटी है अभी, जिसका मुझे कुछ ना कुछ जल्दी से करना पड़ेगा। और मेरे सिटी में अभी यूनिवर्सिटी भी नहीं है कहीं भी, तो यूनिवर्सिटी का भी देखना पड़ेगा भाई कुछ। सबसे ज्यादा तो भाई एलिमेंट्री कमी हो रही है, एलिमेंट्री स्कूल में पता नहीं क्या करना है इन लोगों को जाके। और साथ ही साथ जो मैंने सबवे लास्ट एपिसोड में बनाया था, मैं दिखाया था, इसमें मुझे स्टेशन बनाने हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ टाइल्स खरीदी थी इधर वाली, तो जैसा कि इधर वाला एरिया मेरे पास खुल चुका है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ना हाईवे के कनेक्शन बढ़ाए जाए, क्योंकि अभी सारी भीड़ ना इधर से आ रही है। वैसे तो यार मैंने इस वाले जंक्शन को बिल्कुल अब ठीक कर दिया है, यहाँ पे जाम नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और साथ ही साथ यार मुझे कमेंट आए थे, काफी सारे पॉजिटिव कमेंट आए थे कि इस एलिवेटेड हाईवे को मैं रखूं और ये काम बढ़िया कर रहा है, नीचे जाम में नहीं लग रहा कहीं पे। और मैं दिखाया था, मैंने इसको ना आगे तक एक्सपेंड कर दिया, पहले यहाँ तक खत्म हो रहा था ना, तो मैं इसको ना पूरा यहाँ तक ले गया। और जैसा कि यार ये इसको बाईपास करने के लिए, तो जो नीचे वाले लोग हैं वो तो नीचे वाला यूज़ कर रहे हैं, नीचे वाली रोड यूज़ कर रहे हैं, और जिसको जैसे यहाँ से सीधा पार जाना है ना तो वो सीधा इस हाईवे को यूज़ करेगा। और यहाँ पे आके एंड हो रहा है, अब यहाँ से तो आगे फार्मिंग इंडस्ट्री है अपनी वैसे भी। ठीक है, मैंने इतना इसको बना दिया है। अगर इस वाली सिटी में, वैसे इसमें भीड़ लगनी रही, पर अगर लगती तो मैं इसमें बनाया था, पर इसमें जरूरत है नहीं। इसमें एक बार मुझे देखना है कि क्या मैं ट्रैम के लिए कुछ बना सकता हूँ ऐसे, कि एलिवेटेड अगर मैं ट्रैम बना दूँ, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। यार बन तो रही है ट्रैम भी एलिवेटेड, पर फिर इसमें स्टेशन बनाने में दिक्कत आएगी, एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि पाथ कैसे बनता है इसमें। अगर ये ट्रैम बन तो जाएगी एलिवेटेड, पर ना इसके ऊपर स्टेशन नहीं बन पाएंगे, ये चीज एक दिक्कत है। तो ट्रैम मैं नीचे ही रखूंगा यहाँ पे। उससे पहले सबवे को ठीक कर देता हूँ, तो अभी सबवे ना बहुत ही कम यूज हो रहा है। ये है ना अपनी सबवे लाइन, ठीक है, इस सबवे को मुझे पूरी सिटी में कनेक्ट करना है। यार ये लोग सबवे यूज नहीं कर रहे, पर ये पैदल पैदल आ जा रहे हैं भाई यहाँ तक एयरपोर्ट वाली सिटी में। तो ये लोग सारे यहाँ से चल के आ रहे हैं और इधर आ जा रहे हैं, ये देखो सारे पैदल चल रहे हैं भाई ये। तो मुझे ऐसा लगता है एक दिक्कत जो यहाँ पे हो रही है, तो मैं ना स्टेशन सीधा इनको एयरपोर्ट पे दिया एक, तो मुझे लगता है कि एक सिटी में ना यहाँ पे बीच में भी होना चाहिए स्टेशन। तो इसको मैं स्टेशन को ना यहाँ पे बना देता हूँ एक, ठीक है, बन गया स्टेशन। और अब इसको स्टेशन को करना है मुझे कनेक्ट, तो ये हो जाएगा अब इधर से कर्व, ठीक है, इधर तो सबवे कनेक्ट हो गया। अब बाकी के भी स्टेशन मुझे बनाने हैं, तो 3-4 स्टेशन तो कम से कम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले देख लेता हूँ कि लाइन जा किधर से रही है मेरी, तो मेरी सबवे की लाइन यार इधर से, एक मिनट, यहाँ तो कनेक्ट ही नहीं हुई अभी, पहले इसको भी तो कनेक्ट कर दूँ मैं। इसके बाद यार एक स्टेशन अपना इधर हो जाएगा, पहले एक स्टेशन ना इधर इंडस्ट्री में बना देता हूँ मैं। तो इंडस्ट्री में यार यहाँ पे थोड़े से घर उड़ाने पड़ेंगे, और यहाँ पर सोचा है कि मैंने इसको मैं लगा देता हूँ। तो इधर तक एक स्टेशन यहाँ पे हो चुका है, एक अपना एयरपोर्ट के सामने है, अगला आएगा भाई अपना इंडस्ट्री के बिल्कुल इधर, ठीक है, ये एकदम सेंटर हो गया, इधर से सारी इंडस्ट्री पास पड़ रही है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रैम भी चला दूँ इन लोगों के लिए इंडस्ट्री में जाने के लिए, वैसे जरूरत पड़नी तो नहीं चाहिए। अब इसको कनेक्ट करना है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। और इसके बाद ये आ जाएगी भाई यहाँ से वापस, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो गया है, 1, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन और 4 और 5 स्टेशन हो गया इसके ऊपर। अब मुझे लगता है कि ये ज्यादा बढ़िया रहेगी। तो बारी है भाई लाइन बनाने की, तो लाइन अपनी स्टार्ट होगी इसके रेलवे स्टेशन के नीचे से, और इसके बाद जाएगी एरो सिटी में। पहले यहाँ पे स्टॉप नहीं था, मैंने यहाँ पे एरो सिटी में एक स्टॉप बना दिया है, और थर्ड स्टॉप इसके बाद होगा अपना सीधा एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट के बाद आएगा अपना पोर्ट के पास, कार्गो पोर्ट जो है अपना, इधर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत सारा है। इसके बाद स्टॉप आएगा अपना मेन इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पे कि अपनी सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, और वहां से फिर ये वापस आ जाएगा भाई इधर। और अब मुझे लगता है कि ये ज्यादा एफिशिएंट बनी है पहले के मुकाबले। और ट्रेन में कितने भाई, बस स्टेशन पे कितनी भीड़ है। और ट्रेन का एक चीज और मुझे याद आई कि मैंने अभी ट्रेन की जो लाइन है ना सिर्फ इधर से बनाई है, तो जैसा कि यहाँ तक आ रही है ना आगे तक, तो इस स्टेशन को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ अब इधर से इधर, मतलब यहाँ से। उसके लिए मुझे पहले तो यार इस हाईवे को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा, पहले एक बार देख लूँ कि जो भी सबवे बनाई है वो कैसे चल रही है। तो अभी तो यार 10 किलोमीटर की लाइन बनी है, पर यार 0 पैसेंजर क्यों दिखा रहा है ये, थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ मैं। तो अभी इसमें 3 ट्रेन यूज हो रही है, सोच रहा हूँ यार फॉरेस्ट इंडस्ट्री को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ अभी, और जो एक्स्ट्रा जगह बचेगी ना मेरे पास उसमें मैं बनाने वाला हूँ अपना सोलर फार्म इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये वाला सोलर पावर प्लांट। भाई कितनी जगह चाहिए इसको, इसको प्लानिंग तो थी यार एयरपोर्ट के साइड में बनाऊंगा, पर एयरपोर्ट अलाउड, पर एयरपोर्ट ना अलाउ नहीं कर रहा मुझे यहाँ पे कुछ बनाने के लिए। मुझे यार एक कमेंट और आया था कि मैं एयरपोर्ट के पास में बड़ी बिल्डिंग ना बनाऊं, यार वो ना ये वाला एरिया है, देखो ये यहाँ पे ये जो ऐसे रेड कलर में आ रहा है ना पूरा, इस एरिया में मैं बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकता। सेम ऐसे इस साइड ये जो ये वाला एरिया है इसमें, पर साइड में बना सकता हूँ, मतलब
मतलब जो भी रनवे के दोनों तरफ है ना जगह, वहां पे मैं बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बना सकता, पर ये तो बहुत साइड में है टावर। ये जो टावर की बात हो रही थी ना, मुझे कमेंट आया था कि भाई ये टावर यहाँ पे बीच में आएगा, तो ये बहुत दूर है इससे। जो भी रनवे के सामने जगह है ना, उसमें मैं कुछ नहीं बना सकता, बस ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री बनानी थी। तो यार जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि मैं इस वाले एरिया में कुछ बना नहीं सकता हाई, मतलब ज्यादा हाइट वाला, तो यहाँ पे एक सोलर फार्म बनाया जा सकता है भाई बड़े आराम से। तो मैं वही करता हूँ कि इसको ना उसी हिसाब से डिजाइन कर लेता हूँ सोलर फार्म की तरह से। ठीक है, तो यार यहाँ पे लगेगा अपना जो ये है सोलर पावर प्लांट। मैं सोच रहा हूँ कि दो लगाता हूँ यहाँ पर ना। ठीक है, इस रोड को हटाओ, ये मैंने बिना बात लगा दी एक्स्ट्रा। और इसमें कुछ अपग्रेड्स भी हैं, जैसे कि एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम है इसके अंदर भी है, दोनों मैंने लगा दिया। अब क्या होगा कि जैसे जैसे सूरज घूमेगा उस हिसाब से भी अपना डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे। और एक मिनट, अच्छा इनके वो उधर को आ गए, मुझे लग रहा है मैंने अपोजिट साइड से लगा दिए ना। और ट्रांसफॉर्मर तो यार इस साइड ही है, तो ये कनेक्टेड है। मतलब एक मिनट देख लेता हूँ कितनी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। 590 मेगावाट बन रही है अभी। और यहाँ पे बैटरी भी चार्ज हो रही है, बल्कि बैटरी इसको मैं हटा भी सकता हूँ। मैं काम करूँ इस गैस पावर प्लांट को हटाई दू, फिर पहले देखता हूँ कि ये कितना बना रहा है। तो भाई आज पूरा ग्रीन एनर्जी पे ही मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये 187 मेगावाट ये बना रहा है, 185 ये बना रहा है। तो यार मैं कोल प्लांट मतलब इसको हटा सकता हूँ, बल्कि इसको बंद कर देता हूँ अभी के लिए। अब देखते हैं भाई कितनी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो अब मेरी हो रही है 162, अच्छा 400 मेगावाट, हाँ 400 बन रही है ना। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है कि मैं इसको हटा सकता हूँ अब, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और इसमें से ना कुछ कनेक्शन मुझे सामने भी लेके जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूरा इनका बना दिया है। और बल्कि जो बैटरी सिस्टम है ना, उसको भी मैं इधर ही ले आता हूँ। ये जो अपनी बैटरी है ना, ये भी इधर ही चार्ज होती रहेंगी। तो अब सिटी का काम एकदम मस्त चल रहा है और पूरी ग्रीन एनर्जी हो चुकी है, एकदम क्लीन एनर्जी। और इससे एक फायदा और होगा, इधर ये जो पोल्यूशन हो रहा था ना, ये हट जाएगा सारा। और इन बैटरीज को भी ना इधर ही लगा देता हूँ, बल्कि थोड़ी ना यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी इस तरीके से। तो एक रोड आ जाएगी इधर, इसके ऊपर लग जाएंगी अपनी बैटरीज। अभी तो एक ही है, पर मैं इनको एक्सपेंड कर सकता हूँ, तो दो तीन बैटरी यहाँ पे आ जाएंगी आराम से। तो इसको बिल्कुल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अच्छा, इसके साथ भी आती है बैकअप वाली। यार ये अपना पूरा कनेक्शन हो चुका है और पूरी सिटी को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। भाई क्या हुआ, इनको क्यों नहीं मिल रही भाई? अच्छा इसको, ओ भाई इसको नहीं मिल रही इलेक्ट्रिसिटी, मिल तो रही है। अबे ये 320 मेगावाट में बना रहा हूँ तो ये जा कर रही है, ये क्या हो गया एकदम से? इलेक्ट्रिसिटी बॉटलनेक हो रहा है यहाँ पे, है ट्रांसफर कैपेसिटी कम बता रहा है, ऐसा कैसे हो गया? मुझे लगता है एक और लगाना पड़ेगा। ये अरे लोग बॉटलनेक बता रहे हैं, पर बॉटलनेक हो कैसे रही है? पहले भी तो एक ही वायर जा रहा था, ये बड़ा वाला, तो अब भी एक ही जा रहा है। मुझे लगता है कि हर सिटी में एक सबस्टेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ना ऐसे प्रॉब्लम होती रहेगी बार बार यार। अच्छा इधर वाला सबस्टेशन भी हटा दिया ना मैंने, ओके। तो इस सिटी को एक सबस्टेशन तो देना ही पड़ेगा मुझे। तो ये आ गया अपना सबस्टेशन, इसको कनेक्शन मिल जाएगा अपना इधर से। अब ठीक हो गया ना ये, पहले क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से डायरेक्ट जा रही थी, अब क्या हुआ कि जो स्मॉल रोड थी ना उनके ऊपर, तो जो स्मॉल वाले वायर होते हैं ना, ये वाले, ये जो येलो कलर के वायर है जो कि रोड के नीचे जा रहे होते हैं, ये इतना इतने कैपेबल नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जैसे यहाँ पे इस पे बहुत जोर पड़ रहा है ना, इसलिए मैंने ये सब लगा रखे हैं ट्रांसफॉर्मर, एक इधर है एक इधर है। तो सिटी में ना ट्रांसफॉर्मर होने चाहिए, मतलब बहुत सारे। भाई कितने सारे लोग खाली करके चले गए चक्कर में यहाँ पे, अभी इन्हें मुझे हटाना पड़ेगा घरों को। तो अब मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि एयरपोर्ट के साइड में एकदम यहाँ पे घर तो नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे भी थोड़ा डिस्टेंस दिया है ना, बीच में एक रोड दी है और साथ में कुछ पेड़ लगाए, और घर का जो मतलब घर की डायरेक्शन इस तरफ है अपनी। तो यहाँ पे मैं घर तो नहीं बना पाऊंगा अब, तो मैंने सोचा कि ऑफिस की डिमांड बहुत आ रही है ना, तो यहाँ पे ना लो डेंसिटी वाला अपना ऑफिस एरिया में बनाया तू। ठीक है, ये पूरा ऑफिस एरिया हो गया। और ये वाले जो ऑफिस है ना, इनकी हाइट भी ज्यादा नहीं होगी, एक फ्लोर के होते हैं जैसे ज्यादा। और साइड में अपना ये भी है सबवे। अब देखते हैं कि भाई सबवे कैसा काम कर रहा है, काफी देर हो गई मैंने सबवे पे ध्यान नहीं दिया। तो ये है अपना सबवे। तो अपनी दूसरी लाइन पे भी 200 पैसेंजर तो जा रहे हैं अभी, और अभी भी ये कम है, पता नहीं ये लोग सबवे कम क्यों यूज कर रहे हैं। ट्रैफिक देखता हूँ कैसा है, ट्रैफिक अपना इधर तो सही हो गया है। और पोल्यूशन देखना था मुझे, जो टर्बाइन थी ना बहुत पोल्यूशन कर रही थी, अब दिखाता हूँ मैं पोल्यूशन कितना कम हो गया है। तो यहाँ पे ग्राउंड पोल्यूशन आ रहा है, एक तो थोड़ा सा नॉइज पोल्यूशन कम हो गया एक तो इधर का, साथ में एयर पोल्यूशन भी हट चुका है सारा, अब बस इधर इधर बचा एयर पोल्यूशन ना। ये वाला एरिया भी अब मैं यूज कर सकता हूँ कुछ ना कुछ बनाने के लिए। तो देखते हैं कैसे काम कर रहे हैं। वैसे सन के साथ चेंज होंगे ना यार, डायरेक्शन चेंज तो नहीं कर रहे ये लोग, लेकिन यार लक कितना बढ़िया रहा है अब ये, मतलब यहाँ पे सारे सोलर पैनल और अपना मतलब पोल्यूशन भी खत्म हो रहा है साथ में, तो ये बढ़िया लगा मुझे तो यार। अब बारी है भाई इस वाले एरिया की। तो अपनी दूसरी प्रॉब्लम थी कि एलिमेंट्री स्कूल की कमी हो रही थी यहाँ पे। तो जो ये वाली सिटी है ना अपनी, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे पार्किंग तो है ही मेरे पास, तो एक एलिमेंट्री स्कूल तो मैं यहीं पे बना देता हूँ इसी रोड को आगे एक्सटेंड करके। और यहाँ पर लग जाएगा अपना एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है। और इसको मैं एक्सटेंड भी कर दूंगा साथ में, और इसके अंदर पार्क भी लग जाएगा। और एक है चिल्ड्रन क्लिनिक, पता नहीं इससे होता क्या है, पर मैंने लगा दिया है अभी।
ठीक है, अब देखते हैं कितनी के भाई, एकदम भर गया है भी भाई, फुल हो गया है इतनी जल्दी। क्या चल रहा है यहाँ पे, 1500 बच्चे इसके अंदर आ गए इतनी जल्दी। अभी कितने हैं, 15,000 बच्चे हैं भाई, 15,000। यार कोई और तरीका नहीं है क्या एलिमेंट्री स्कूल के अलावा? एक तो इनकी कैपेसिटी इतनी कम है, फुल अपग्रेड होने के बाद भी इनमें कुछ नहीं हो सकता भाई। बहुत सारे बनाने पड़ेंगे एलिमेंट्री स्कूल। तो अगला एलिमेंट्री स्कूल मैं सोच रहा हूँ कि इधर कहीं बना देता हूँ। तो ये 4 लेन रोड आ रही है ना सारी की सारी, तो इधर जो एलिमेंट्री स्कूल बनेंगे उसके बाद मुझे एक ट्रैम चलानी पड़ेगी इन दोनों के बीच में। वैसे सबवे है यहाँ पर है ना, चलो इस पूरी जगह को भर देता हूँ मैं ना। ठीक है, ये अपनी हो गई अपनी मेन रोड, ये इनसाइड वाली रोड आई यहाँ पर। ठीक है, एक एलिमेंट्री स्कूल यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर है, और एक शायद मुझे इधर भी बना देना चाहिए। अब ये समझ नहीं आ रहा कि कमी इस वाली सिटी में हो रही है, इस वाली में हो रही है। मुझे लगता है इधर भी बनाना ही पड़ेगा ना एलिमेंट्री स्कूल। तो ये भी तो था एलिमेंट्री स्कूल, यही फुल हो गया भाई, सारे एलिमेंट्री स्कूल फुल पड़े हैं। इधर लगा हुआ है, इधर एक लगा हुआ है, 2, 3, तो इस पूरी जगह में 3 है अभी सिर्फ, है ना। मुझे लगता है इस जगह को भी मुझे यूज कर लेना चाहिए एलिमेंट्री स्कूल के लिए। ठीक है, ये लग गया एक और इसको मैंने एक्सटेंड भी कर दिया साथ के साथ। ठीक है, 2 के बीच में ये हो गया, एक इधर भी लगा दिया मैंने। 15,000 था ना, 12,000 पे मैं पहुंचाऊंगा यार। अभी यार कहाँ रह रहे हैं लोग इतने जो पढ़ लिखना चाह रहे हैं, सारी पॉपुलेशन तो अपनी यहीं पे सिटी के बीच में, पानी फिर भी इतनी ज्यादा डिमांड कैसे आ रही है। तो एक मैं इधर लगाने वाला था ना, हाँ इधर लगा देता हूँ एक। तो मैंने कोशिश करी है कि जहाँ पे आसपास ना ट्रांसपोर्टेशन हो कुछ ना कुछ, जैसे इधर सबवे है अपनी, और ठीक है यहाँ पे बढ़िया काम कर रहा है। अब भी नहीं हुआ क्या, अब भी 13,000 लोग यहाँ पाए हैं। अब बारी भाई यूनिवर्सिटी बनाने की, तो यूनिवर्सिटी बनेगी यार इधर कहीं पे, एरो सिटी से थोड़ा साइड में यहाँ पर। ठीक है, तो ये एरिया मुझे सही लग रहा है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। तो टेक्निकल नॉर्मल यूनिवर्सिटी ये वाली है, पहले बार देख लेता हूँ इसको जगह कितनी चाहिए। तो इस तरफ से इसकी एंट्री है ना सामने से, नहीं यार इधर मजा नहीं आ रहा, इसको मैं रखने वाला हूँ इधर। ठीक है, यहाँ पर आएगी अपनी यूनिवर्सिटी। भाई साहब पूरी सिटी की जगह ले ली। वैसे पीछे इसमें कंटेनर शिप वगैरह दिख रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं कि, तो मुझे लगता नहीं यार यूनिवर्सिटी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए उस चीज से लगाने को। तो यहाँ भी मैं लगा सकता हूँ, एक बार यहाँ पे भी देख लेता हूँ लगा के इसको। पर हाँ यार यहाँ पे लग तो जाएगी, पर यार यहाँ पे फिर फ्लाइट उड़ेंगी ऊपर से, तो यहाँ पे भी दिक्कत ही है। तो ये जगह ज्यादा सही है। वैसे एक काम और हो सकता है कि ये हट जाए यहाँ से, और मतलब ये वाली जो पूरी जगह है ना, इसको ही मैं यूनिवर्सिटी वाला एरिया बना देता हूँ। ये ज्यादा सही लगा मुझे एरिया, और ये आ जाएगी अपनी इधर तक। ये एकदम सेंटर भी है ना इस वाले एरिया का, तो ये ज्यादा सही है। और अपनी मेट्रो कहाँ से आ रही थी? ठीक है भाई, बढ़िया हो गया। यहाँ पे मेट्रो जो वापिस आ रही थी ना, ये तो एक स्टॉप मेट्रो का यहाँ पे भी बन जाएगा। ठीक है, तो अपनी ये वाली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब और इसके अंदर अपग्रेड भी देख लेता हूँ क्या क्या होता है। वो भाई साहब इतना बड़ा ग्राउंड, और ये क्या है, लाइब्रेरी, और तीसरा क्या है, एक्सटेंशन विंग। चलो एक्सटेंशन विंग तो इसके अंदर ही लग गया, और क्या था, लाइब्रेरी थी ना इसके अलावा। तो ये आ गया इसका ग्राउंड पीछे की साइड, और यहीं पे इसकी लाइब्रेरी आ गई। वैसे मैं एक से ज्यादा लाइब्रेरी लगा सकता हूँ, पर एक ही बहुत है अभी। एक बार टूर देता हूँ मैं कैसा है अपना यूनिवर्सिटी में, पास से दिखाता हूँ। भाई काफी बढ़िया बना रखी यार, आउटडोर जिम है यहाँ पे, और साथ में बैठने की जगह है, और ये इधर खाने पीने की जगह है, शायद कैफेटेरिया है आउटडोर वाला। ओ भाई साहब क्या यूनिवर्सिटी बना रखी है भाई, नेक्स्ट लेवल। अंदर से नहीं देख सकते हम लोग, ये इसका शायद पार्किंग वाला एरिया है भाई। इसमें हरियाली कितनी बढ़िया रख रखी है अंदर, और ये शायद लाइब्रेरी है ना, हाँ, और ये ग्राउंड है। तो यार बढ़िया है यूनिवर्सिटी तो, और पार्किंग में लगता नहीं कि जरूरत पड़नी चाहिए, काफी पार्किंग है इन लोगों के पास। अब देखता हूँ मैं एजुकेशन में क्या क्या फर्क आया। तो यूनिवर्सिटी के लिए 650 लोग एलिजिबल थे, वो लोग आने लग गए हैं यार। कॉलेज भी ज्यादा, अब लोग कॉलेज जाने लग गए ना, फिर अब कॉलेज की भी डिमांड और बढ़ गई है, क्योंकि पहले तो एक ही कॉलेज से काम चल रहा था ना मेरा। ये है अपना कॉलेज, और इधर यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज अपना शायद इधर बन जाएगा, देखता हूँ अभी अभी नहीं बनाता। और एक मिनट भाई, कुछ दिक्कत हुई है, वाटर ट्रेड वाटर ट्रीटमेंट सही है। अच्छा इसकी रोड हटा दी थी ना मैंने, और इसके पास में थोड़ा सा हो जाएगा अपना हाई डेंसिटी का एरिया। इसको करते हैं भाई जोन, सबसे पहले तो अपना हो जाएगा थोड़ा सा कमर्शियल, स्कूल के पास में यहाँ पे कमर्शियल जोन हो जाएगा ये वाला। और जो बाकी का बचा हुआ एरिया है वो अपना हो जाएगा मीडियम डेंसिटी करूँ या हाई डेंसिटी, चलो इसको हाई डेंसिटी कर लेता हूँ मैं ना। ठीक है, ये पूरा हो गया अपना हाई डेंसिटी, और थोड़ा बहुत यहाँ पे मिक्स होगा, मीडियम डेंसिटी भी रख लेता हूँ मैं। इधर यूनिवर्सिटी के सामने तो पूरा शॉपिंग वाला एरिया हो गया है, और काफी बढ़िया भी लग रहा है, और मुझे लगता है इसकी वजह से यहाँ पे भीड़ होने वाली है काफी ज्यादा। इसके बाद यार अपनी ये 2 लेन रोड आएगी इधर से, और यहाँ पे क्रॉसिंग बन रही है जो कि शायद मुझे हटा देनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से लाता हूँ, अगर यहाँ से क्रॉसिंग नहीं बन रही ना, यहाँ से देखता हूँ एक बार। तो ये रोड आ चुकी है इधर तक, और अब यहाँ पे बनेंगे कुछ इनसाइड रोड्स। तो इतना तो हो गया है अभी तक कंप्लीट। अब ये क्यों घर छोड़ रहे हैं यार, यार डिमांड ना कम हो रही है सिटी में, किस चीज की कमी हो रही है? हाई नॉइज पोल्यूशन बता रहे हैं एक तो ये लोग, मुझे लग रहा है पार्क वगैरह की भी कमी हो रही है ना। तो पोर्ट पार्क, तो एक बार पीछा करता हूँ, ये निकल के जा कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी तो ये जा नहीं रहे, पर ये इतनी भीड़ जा कर रही है, इन पर नजर रखनी पड़ेगी। तो जाए इधर उधर ही मुड़ रहे हैं, तो जा तो यार यूनिवर्सिटी ही रहे, यार यूनिवर्सिटी में ही जा रहे हैं वैसे तो। और
यहाँ पे भीड़ देखो एक बार, कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे ट्रेम के वेट में। एक मिनट, ये है ना ट्रेम, तो ट्रेम लाइन 2 फुल चल रही है बिल्कुल। सोच रहा हूँ व्हीकल थोड़े बढ़ा देता हूँ, 5 कर दिए मैंने। एक मिनट, 5 कर दिए लेकिन 2 ही चल रहे हैं सर, ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार इंडस्ट्रियल एरिया में देखता हूँ क्या क्या और ओपन हुआ है। अच्छा, ऑयल रिफाइनरी तो खुल गई थी मेरी, इसको मैं लगाता हूँ यार इधर। तो अब सिटी में अपनी ऑयल रिफाइनरी खुद की हो चुकी है। भाई ये एरिया कितना बेकार लग रहा है वैसे, मतलब बेकार वैसे लग रहा है कि धुआं कितना ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें यार ये दिक्कत तो है कि इंडस्ट्रियल एरिया बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी फुल डिमांड है इंडस्ट्रियल एरिया की ना, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। और मुझे लगता है थोड़ा सा ना टैक्स कम कर देना चाहिए मुझे, 12% है ना इस पे, तो इनका ना सबका ही मैं ऑफिस का कम कर दिया मैंने। इससे ऑयल रिफाइनरी से क्या हो रहा है, ग्रेजुएशन चांस बढ़ गए एक तो। और ये इधर इधर किस बात का जाम है भाई, ये लोग इन दोनों सिटी के बीच में पैदल क्यों चल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। यार सबवे इतना सस्ता है फिर भी सबवे यूज नहीं कर रहे। एक मिनट, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। मुझे एक आइडिया आया अभी कि मैं इस सबवे को ना और ज्यादा एफिशिएंट बना सकता हूँ, अगर मैं इसको ना यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं, ठीक है ना। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि इधर एक सबवे स्टेशन बनाता हूँ और एक स्टेशन अपना आएगा यहाँ पे, ठीक है। एक स्टॉप यहाँ पे हो गया और एक स्टॉप यहाँ पर हो गया है। अब मुझे लगता है कि ज्यादा बढ़िया है पहले से, क्योंकि एक तो इनका स्टॉप हो गया यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पास, मतलब कि जो इधर सिटी पूरी बन रही है, अब यहाँ पे भी घर बनेंगे ना, तो वो सब यहाँ पे आके निकलेंगे डायरेक्ट। और उसके अलावा यहाँ पर तो है इनका खुद का, एक बार प्ले कर देता हूँ मैं। तो अभी पहले क्या होता है कि यहाँ से इनको ना चल के आना पड़ रहा था, वो नहीं करना पड़ेगा एक तो। और इधर जाम कैसे लग गए भाई, इतना गंदा जाम, ये तो भाई बिल्कुल रियल ट्रैफिक जाम लग रहा है भाई इसमें एकदम। एक मिनट, जाम लगाया किसने? अबे सारी तो रोड खाली पड़ी है, फिर जाम कौन लगा रहा है? अच्छा इस टर्न पे जाम लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पार्किंग यहाँ नहीं होनी चाहिए ना। इसका अब सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको आगे एक्सटेंड करा जाए हाईवे को पैरेलल टू लॉन। तो इसको मैंने यहाँ से हाइट करना स्टार्ट, मतलब इसकी हाइट बढ़ानी स्टार्ट कर दी है। ये तो अपना रोड के पार जाने वाला है यहाँ से। और इस हाईवे पे जाम लग रहा है? इस हाईवे पे तो जाम नहीं लगता, जब से मैंने ऊपर वाली रोड बनाई है ना, जब से यहाँ का जाम खत्म है। सोच रहा हूँ ऐसी एक ऊपर रोड में यहाँ पे बना दो इंडस्ट्री में, डबल डेकर रोड। तो जितनी भी ये सब इंडस्ट्रीज है ना, इनके लिए मैं काम करता हूँ, बहुत ही तगड़ा मुझे आइडिया आया अभी कि एक ना एलिवेटेड रोड जाएगी 2 लेन की। तो इस रोड का मैं फायदा बताता हूँ अभी। इससे ये फायदा होगा, यहाँ पे टर्न नहीं बन पा रहा ना, तो इसका फायदा ये होगा कि जितने भी ये वाले इंडस्ट्रियल एरिया है ना, इनको मैं पहले तो आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, और इनको ना बीच में किसी एक जगह पर मैं इनको कनेक्शन दे दूंगा सामने, ठीक है। तो इस वाली इंडस्ट्री में आने का रास्ता हो गया इधर से, ठीक है भाई। जो नीचे जाम था उसके लिए मैंने एक तरीका तो निकाल दिया है। भाई कितने ट्रक है यार यहाँ पे। तो मैंने ये करा है कि जो इधर वाला इंडस्ट्रियल एरिया है ना, ये लोग तो इस ऊपर वाले हाईवे को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब इनको तो डायरेक्ट बाहर निकलना है। और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इधर आके इससे, तो ये हो गया इनका बाईपास, जो कि डायरेक्ट इनको इधर ले आएगा। और लगता है कि इससे थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, बाकी इसको आगे भी करना पड़ेगा मुझे इस तरफ, ठीक है। इसको मैं इधर कनेक्ट कर दूंगा सामने। और तो कुछ जाम कम हुआ इससे भाई साहब, ऊपर वाली रोड कितनी ज्यादा यूज होने लग गई अब। मुझे लगता है प्लान तो मेरा कामयाब हो गया है काफी हद तक, ये ऊपर इन्होंने हाईवे यूज करना शुरू कर दिया है और नीचे भाई खाली हो गई रोड। तो चलो ये तो ठीक है कि ऊपर वाली रोड ये लोग यूज तो कर रहे हैं। साथ में ये क्या हो गया यहाँ पे, ये भी तो ठीक करना पड़ेगा मुझे। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा साइड करा था इसको। तो नीचे वाली रोड अब मैं बताता हूँ किस काम आएगी। नीचे वाली रोड होगी अपनी अगर इनको आना है कार्गो टर्मिनल पे, पर अगर इनको सिटी से बाहर निकलना है तो ये ऊपर वाले हाईवे को यूज करेंगे। बल्कि इस हाईवे को ना भी मैं और आगे भी लेके जाऊंगा, इसको इधर तक ले आता हूँ, ये छोड़ो, ठीक है। यहाँ तक आ गया था ना, अब इसको मुझे इससे कनेक्ट करना है नीचे। तो देखना पड़ेगा यार कैसे हो गए। सोच रहा हूँ ये वन वे कर लेता हूँ यूज, और ठीक है हो गया कुछ ऐसे। तो इसको मैंने अभी नॉर्मली ऐसे कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे कोई ऐसा इंटरसेक्शन नहीं बना रहा हूँ मैं। ऐसे बन सकते हैं इंटरसेक्शन? नहीं यार, इंटरसेक्शन तो बहुत ज्यादा जगह ले लेगा। तो ये ऐसे ठीक है। अब इस रोड की मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है। तो ये हो गया लेफ्ट आने का, ये हो गया इधर जाने का, ठीक है। ये हो गया इधर आने का और ये हो गया अपना इधर आने का, ठीक है। जंक्शन इधर भी बन गया और ट्रक्स ने आना भी स्टार्ट कर दिया, और बड़ा हो सकता है राउंड अबाउट। यार ये सही है, अपना सस्ते में काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, और सेम ऐसी वैसे इधर भी ये कनेक्शन होना चाहिए ना। तो इसमें एक कनेक्शन अपना हो जाएगा इधर, ठीक है। एक कनेक्शन यहाँ पे हो गया अपना, और एक कनेक्शन चाहिए मुझे। वैसे इधर मैंने 2 बनाए थे ना कनेक्शन, किधर गए? ये रहा, एक तो इधर है और एक इधर है। पर यहाँ पे ना बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया है भाई, ये तो मुझे इन सबको आपस में कनेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। इस हाईवे पे चढ़ने के बहुत सारे रास्ते हो गए, और ये बढ़िया अपना काम भी कर रहा है। वो भाई यहाँ पे आग लग गई, यहाँ पे फायर का कुछ लगाया मैंने, फायर हेलीकॉप्टर तो है पर फायर स्टेशन नहीं है ना एक भी। हाँ एक फायर हाउस तो यार बनाना ही पड़ेगा इधर भी। और ये जो एरिया है ना, इसको मैं थोड़ा ऑफिस जोन बनाने वाला हूँ इधर। भाई इसका ट्रैफिक इतना ज्यादा रियल है ना सही में, जहाँ इन्हें जगह मिल जाती है ना कि शॉर्ट रूट है, वहाँ पे ट्रैफिक लगाना शुरू कर देते हैं। अब ये वाली रोड खाली कर दी इन्होंने, क्या करा जाए भाई इनका। वैसे एक बात तो है, ये ऊपर वाली रोड तो सही रही, यहाँ का तो जाम कम से कम खत्म कर दिया इसने। और जो इधर लग रहा है ना, ये भी मैं हटा सकता हूँ जाम। इसके लिए मुझे एक तरीका है कि हाईवे सामने लेके जाना है। तो भाई बहुत खर्चा होने वाला है इसमें,
क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा यार बड़ौला हाईवे। उससे पहले मुझे कुछ पॉइंट्स चाहिए और पॉइंट्स के लिए मुझे वही करना पड़ेगा, कुछ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक नई सिग्नेचर बिल्डिंग खुली है अभी मेरी, ये क्या है, फार्मा इंडस्ट्री। अच्छा इसको केमिकल चाहिए ना, तो इसको मैं उधर ही लगाता हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया में लगाता हूँ इसको ना, क्योंकि इसको जो डिमांड है वो केमिकल की है और केमिकल मेरे यहीं पे बन रहे हैं। तो इधर अपना ये केमिकल प्लांट है, इधर इससे जो केमिकल बनेंगे उसको केमिकल बनाने के लिए चाहिए अपना क्रूड ऑयल और मिनरल्स जो कि यहाँ पे निकल रहे हैं। उसके बाद रिफाइनरी को अपना क्या चाहिए, एक मिनट एम्प्टी, यार इसकी एफिशिएंसी तो सही है पर ये एम्प्टी क्यों पड़ी है, एक मिनट प्रोडक्शन में आगे देखना पड़ेगा। और बना रहा हूँ मैं, ऑयल बना रहा हूँ मैं, मटेरियल गुड देख लेता हूँ। पेट्रोलियम भाई 620 टन में इंपोर्ट कर रहा हूँ अभी भी, किस चीज़ की कमी पड़ रही है मुझे भाई साहब। फूड मुझे 2500 टन इंपोर्ट करना पड़ रहा है, फूड कन्वीनियंस फूड। तो मुझे जो पॉइंट्स मिले थे उससे मुझे एक तो एक ग्रैंड ब्रिज ओपन करना है जो कि 8 पॉइंट में होता है, ठीक है। ग्रैंड ब्रिज हो गया अपना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्पेस स्टेशन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोसेसिंग भी खोलना था मुझे, इससे इंडस्ट्रियल वेस्ट थोड़ा कम होगा। अब दिक्कत ये है कि मैं इतना ज़्यादा फूड बाहर से इंपोर्ट क्यों कर रहा हूँ, फार्मिंग इंडस्ट्री यार अभी इतनी कम है मेरे पास। तो मुझे यहाँ पे बनाना है एक ब्रिज जो कि मैंने अभी ओपन करा है, ये है क्या ग्रैंड ब्रिज, और वैसे छोटा सा ही है, मुझे लगा था यार कोई तगड़ा ब्रिज हो गए, ये तो 4 लेन का ब्रिज है, देखने में तो काफी बढ़िया है पर यहाँ पर ये काम नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे तो मुझे वो हाईवे वाला ब्रिज ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे रखनी है भाई 40 की हाइट, मतलब 40 की हाइट रखनी है इस पे, और इधर से आएगा ना, ठीक है बन गया ब्रिज। बल्कि उधर वाले ब्रिज की हाइट ना थोड़ी अजीब सी है, ऊपर नीचे है थोड़ा ना। तो यार ब्रिज तो अपना हो गया कम्प्लीट, और अब मेरी सिटी को कनेक्ट कर रहे हैं 2 ब्रिज। इसको अब बस यहाँ पे एक इंटरसेक्शन बना के मैं कर देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे बनाने वाला हूँ ये क्लोवर लीफ वाला, और यहाँ पे रेलवे लाइन भी है यार, ये हटानी पड़ेगी। तो यार ये इंटरचेंज कुछ इस तरीके से लगेगा, पर हाईवे तो हो गया कनेक्ट, और मैं ऐसी जल्दी से ना ट्रेन की लाइन भी कनेक्ट कर देता हूँ जो कि यहाँ से टूट गई थी वाली। तो यहाँ पे तो सब कुछ पहले की तरह कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अपना नया ब्रिज भी वर्किंग है, इस पर कोई गाड़ी आ रही है, सब इन लोगों को शायद पता ना चला हो इतना, ठीक है। एक और ब्रिज बन गया है तो इनके पास एक और ऑप्शन हो गया है, देखो यहाँ से ट्रक्स ने जाना शुरू कर दिया है। तो इधर वाले जो ट्रक है ना इंडस्ट्री वाले, वो डायरेक्ट यहाँ से उधर जा सकते हैं दूसरी सिटी में, और इस पे थोड़ा लोड तो कम होगा इससे, और इधर का भी जाम खत्म हो चुका है। अब हाई डेंसिटी की थोड़ी सी डिमांड आई है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं हाई डेंसिटी। कई सिटी में रखते हैं, आज काफी सारा काम मैंने कम्प्लीट कर दिया है, जैसे कि एक तो अपनी सिटी अब ग्रीन एनर्जी पे चल रही है, और उसके बाद अपना जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको भी एक एलिवेटेड हाईवे मिल चुका है, और जो अपनी दूसरी ये नई वाली सिटी है ना यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। और अब जो सबसे ज्यादा मैं फार्मिंग वाले प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा था उस वो प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट एपिसोड में सॉल्व करता हूँ। तो ये जो नई वाली जगह मैंने ली है ना, ये जो मैंने आज यहाँ पे इंटरचेंज बनाया, इसके पास में अपनी फार्मिंग इंडस्ट्री बनेगी, यहाँ पे पूरा एरिया है मेरे पास, और अपनी सिटी थोड़ी एक्सपेंड भी हो जाएगी इससे। और साथ में जो अपनी ये ट्रेन की लाइन है ना ये वाली, इसको भी मैं इधर लेके जाऊंगा लेफ्ट साइड में। तो वीडियो को लाइक कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।